मैं आपसे कहूँगी कि देखिए आप और हमारी इंडस्ट्री बहुत मिलती जुलती है, लाइक आप भी बिजनेस वूमन हैं मैं भी, तो हमें जो ऑर्डर आती है कुछ फीमेल्स के लिए काम करने के लिए, तो आप अपने रोटरी के प्लेटफॉर्म से क्या फैसिलिटेट करेंगे हमारे फीमेल्स को जो हमारी वो खातें बैठी हुई हैं जो जॉब करती हैं जिनकी अर्निंग सिर्फ 25,000 या 30,000 है, तो आप अपने प्लेटफॉर्म से क्या फैसिलिटी करेंगे? अच्छा, मैं अपनी जो ऑडियंस है इनको थोड़ा इंगेज करके एक सवाल पूछना चाहूँगी, काफ़ी देर से माशाल्लाह बहुत पेशेंस से सुन रहे हैं आप सबसे थोड़ी सी आपकी गुजारिश करूँगी, आप लोग इधर मुतवज्जो हो जाएं, तहजीब साहब आपसे भी गुजारिश है थोड़ी सी मुतवज्जो हो जाएं, आपसे एक बात पूछनी है, आप तमाम ख़वातीन हज़रात से आई वुड लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन कि आप ये स्कोप ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, आप सबके घरों से कितने लोग हैं जिनके घरों से बच्चियाँ स्कूल जाती हैं? प्लस जस्ट रेज योर हैंड जी, सब लोगों के घर से बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, एजुकेशन ले रही हैं, कॉलेज भी जाती हैं, ठीक है, इसके अलावा जी जॉब कितने घरों से लड़कियाँ करती हैं, आप सबके यहाँ किन घरों में ये इजाज़त है, ये चीज़ अच्छी समझी जाती है, इसको अलाउ किया जाता है कि लड़कियाँ जॉब करें? मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आई वुड से। अच्छा, इसके अलावा मेरा एक और सवाल ये है कि आपके घर में आप सब लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में ख़वातीन के नाम पे प्रॉपर्टी है? ये भी तकरीबन से जी माशाल्लाह। सो सिंस आई एम प्रॉपर्टी डेवलपर, दिस पॉइंट इज ऑफ एक्सट्रीम इंटरेस्ट टू मी, क्योंकि हमारे सर्वे के मुताबिक ख़वातीन के नाम पे आमतौर पर प्रॉपर्टी नहीं होती, तो यहाँ पे मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है कि मोर देन 50% पीपल हैव रेज देयर हैंड्स दैट इन देयर फैमिलीज वुमेन ओन प्रॉपर्टी विच इज़ द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द हाईएस्ट पिनिकल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट अ फैमिली कैन गिव टू इट्स वुमेन। तो मैं बीइंग अ प्रॉपर्टी डेवलपर आई फील कि जो भी थॉट लीडर्स हैं उनको अपनी फील्ड में ऐसा कोई काम करने की ज़रूरत है जिससे कि वुमेन एम्पावरमेंट हो। अगर हम बिजनेस की फील्ड में हैं तो हम लड़कियों को एक सेफ एनवायरमेंट दें जहाँ पे वो आके काम कर सकें, इसी तरह अगर हम एजुकेशन की फील्ड में हैं हम लड़कियों के लिए एडमिशन पॉलिसी ऐसी रखें कि वो अच्छी तरह से आके अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकें, इसी तरह जब हम घरों के अंदर हैं तो हम अपनी ख़वातीन को जिन लोगों ने एम्पावर कर दिया है उनको बहुत बहुत मुबारक हो कि वो ऐसा कर रहे हैं, अगर अपनी वाइफ्स को एम्पावर किया है तो आगे अपनी बेटियों को एम्पावर करें, बेटियों को कर दिया है तो अपनी बहनों को एम्पावर करें, और जो मेरा एक वन स्टेप अहेड जो मैंने किया है वो ये कि अपनी बिजनेस में ऐसे मॉडल्स क्रिएट किए जाएं कि उसे वुमेन एम्पावरमेंट हो। व्हाट आई हैव डन इज कि कोई भी बिल्डर आमतौर पे ऐसे यू नो नॉन सस्टेनेबल एक्शंस नहीं ले सकता जिसकी वजह से कि प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज हो। सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट होता है एक बिल्डर के लिए, एक डिवेलपर के लिए, दैट इज़ द डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट इज यू नो लिटरली इट्स काइंड ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसको हमने कॉम्प्रोमाइज किया एंड वी हैव ब्रॉट प्रॉपर्टी एक्सेसिबल टू ऑल वुमेन ऑफ ऑल क्लासेस। तो अगर आपने अपनी घर की ख़वातीन को एम्पावर कर दिया तो अपने आस पास की ख़वातीन को एम्पावर कीजिए, जिन्होंने नहीं किया है वो आज एक स्टेप लीजिए। तो आई सारी मैं आपकी बात यहाँ पे काट लूँ, लास्ट मेरी और आपकी जब बात हुई थी तो आपने कोई अलीसा के नाम से कोई प्रोजेक्ट निकाला, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारी रोटी के प्लेटफॉर्म से आज सेकेंड इनोवेशन भी कर दें और वो भी अनाउंसमेंट कर दें जो आप करना चाहते हैं। अच्छा जी, मेरा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम जामिन टाउन है, इट इज़ लोकेटेड ऑन मेन एम9 हाईवे, और इसमें एक खुशाइन बात इस वक्त वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से ये है कि इसमें हमने एक डेडिकेटेड ब्लॉक ख़वातीन के लिए निसा ब्लॉक के नाम से बनाया है जिसमें कि कोई भी डबल पेमेंट्स नहीं है, ओनली बाय पेइंग 15,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर 72 मंथ्स अ वुमन कैन बिकम एन ओनर ऑफ अ ब्लॉक। इसकी शर्त सिर्फ ये है, इसमें शर्त सिर्फ ये है कि हजरात आएँ या ख़वातीन आएँ, प्लॉट की ओनरशिप खातून के NIC के नाम के साथ ही होगी। हमारे फीमेल्स के लिए इसको ज़रूर ज्वाइन करें आप लोग। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं।